हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं लौकी की बर्फी बनाऊंगी, जिसे बिना कंडेंस मिल्क, दूध या मावा यूज़ किए ही बनाऊंगी। ये एक हेल्दी मिठाई है। तो नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हेल्दी तरीके से लौकी की बर्फी को बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज की लौकी को ली है। अब इसे कई भागों में काट लें। अब एक पीलर से बाहर के छिलके को निकाल लें। इन छिलकों की भी सब्जी बनती है, कभी इसकी रेसिपी भी दिखाऊंगी आपको। सारे छिले हुए लौकियों को पीसेस में काट लें। ये देखिए, इसी तरह से काट लेनी है हमें। अब बीज के पोर्शन को काट कर अलग कर लें, इसमें ही इनकी बीज रहती हैं। इनकी गुठलियां तो पकती नहीं, इसीलिए इन्हें हमें अलग कर देनी होती है। एक दो बीज रह भी गए तो उंगलियों से प्रेस करते हुए निकाल कर फेंक दें। बिना बीजों वाली लौकियों को एक मिक्सिंग बाउल में अलग से रख दें। तो ये देखिए, इन लौकियों के पीसेस में कोई भी बीज नहीं है। अब बीज से जिस लौकी के पोर्शन को निकाली थी मैंने, उनके बीजों को भी इसी तरह से प्रेस करते हुए निकाल कर फेंक दें। तो इनसे भी सारे बीजों को निकाल कर फेंक दी है मैंने। अब इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लें। ये नरम वाली पोर्शन भी लौकी की देखिए साफ हो गई। अब छोटी वाली ग्राइंडर जार लें और सारे पीसेस को छोटे टुकड़ों में काट लें। ये देखिए, इसी तरह से सारे टुकड़ों को काट लेनी है। छोटे टुकड़ों में काट ली है मैंने, ग्राइंडर जार फुल हो गई है देखिए। ढक्कन डालकर बिना पानी मिलाए ही पीस लेनी है हमें। एक ग्रेटर लें। अब ग्रेटर से सारे लौकियों के पीसेस को ग्रेट कर लेनी है। ये देखिए, इसी तरह से हमें घिस कर महीन कर लेनी है। आप चाहें तो इन्हें बॉईल करके मैश भी कर सकते हैं, पर इसी तरह से करने पर लौकी की फ्लेवर रह जाती है। उबालने पर पानी को तो हम फेंक देते हैं, और हमेशा से ही कुछ अलग करने की और हेल्दी तरीके से बनाने की कोशिश होती है मेरी। सारे लौकियों के पीसेस को मैंने बारीकी से घिस ली है देखिए। अब एक छलनी लें, सारे घिसे हुए लौकियों को छलनी के ऊपर रख दें। अब लौकियों को प्रेस कर दें ताकि नीचे से इनकी एक्सेस पानी निकल जाए। बिना पानी वाले लौकियों को अलग करके रख दें। बाकी बचे घिसे हुए लौकियों से भी इसी तरह से पानी को निकाल लें। लौकियों से पानी को निकालने के बाद ये देखिए बहुत ही नरम हो गई है। ग्राइंडर जार को भी ले लें। अब बिना पानी मिलाए भी इसकी एक लिक्विड टेक्सचर आई है देखिए। इस पेस्ट को भी अब घिसे हुए लौकियों के साथ मिला दें। एक पैन को गैस पर चढ़ा दी है मैंने। 3 टेबलस्पून के करीब घी डालें। घी के गल जाने पर फ्लेम को धीमी कर दें और सारे लौकियों को डाल दें। पानी को निकालने पर भी लौकी की अपनी नमी होती है, इसी वजह से ये नरम होती है। अब एक कच्चे से चला लें। फ्लेम को लो टू मीडियम रखें। करीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहें। ये देखिए, चलाते हुए पानी सूख गई है, अच्छी तरह से भून रही है। करीबन 7 मिनट बाद ये और नरम हो गई है। फ्लेम को धीमी कर दें। 1 कप चीनी डालें। अब चीनी आप अपने स्वादानुसार ही डालें तो बेहतर है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 कप पाउडर दूध डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर से कड़छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लें, जल्दी गल जाएगी ये।
चीनी के साथ पाउडर दूध मिलकर लिक्विड हो गई है। देखिए फ्लेम को धीमी ही रखें। एक कप नारियल का बुरादा डालें, इसे भी मिक्स कर लें। अब इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और नारियल की वजह से खाने में टेस्टी भी होगी। ये मिश्रण अब लिक्विड से सॉलिड होनी है, तो फ्लेम को धीमी रखें और लगातार चलाते रहें। करीबन 5 मिनट बाद ये देखिए थोड़ी सॉलिड हो गई है। एक पिंच ग्रीन फूड कलर डालें। अब कच्चे से मिक्स कर लें। वैसे तो कलर मुझे पसंद नहीं, लेकिन डिश थोड़ी सुंदर दिखे इसीलिए मैंने डाली है इसे। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स करने पर कलर देखिए बढ़िया आई है। कुछ कटे हुए पिस्ता और बादाम को दें। एक टीस्पून इलायची पाउडर डालें। मिक्स कर लें अच्छे से और 1 मिनट तक चला लें। ये लगभग पक चुकी है। देखिए ये देखिए इसकी टेक्सचर ऐसी होनी है। अब फ्लेम को बंद कर दें। एक ट्रे पर घी डाल दी थी मैंने, तो अब इसे ग्रीस कर लें अच्छी तरह। बनाए हुए लौकी के मिश्रण को अब डाल दें। करछे को अब अच्छी तरह प्रेस करते हुए सेट कर लें। ये देखिए इसी तरह से सेट कर लेनी है हमें। साइड के एजेस को भी प्लेन कर दें। अब आधे घंटे तक फ्रिज में हमें रख देनी है ताकि और अच्छी तरह से सेट हो जाए। आधे घंटे बाद फ्रिज से निकाल ली है मैंने इसे। अब ऊपर से सिल्वर की परत को दें ताकि दिखने में अच्छी लगे। सिल्वर की परत तो ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब पीसेस में कट कर लेनी है हमें। पहले किनारों को अलग कर लें, फिर बीच से काट लें। मुझे तो स्क्वायर शेप पसंद है, आप चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं। तो बस इन्हें हमें छोटे छोटे पीसेस में काट लेनी है। किनारों को अलग करके एक पीस को निकाल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक ट्रे पर अब सर्व कर दें। एक पीस को तोड़कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दिखने में शानदार लग रही है, खाने में स्वादिष्ट होगी। तो बस अब खाने की जल्दी है। तो आप भी इसी तरह से लौकी की बर्फी को घर पर ही बनाएं और सभी को खिलाएं। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपने व्यूज कमेंट करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नई इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।